नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आदर्श नगर पंचायत कनौली समाजवादी लोहिया वाहिनी प्रदेश सचिव संजय कन्नौजिया मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कस्बे के अंदर व्यापारियों की दुकान के सामने से अगर किसी गाड़ी का टैक्सी स्टैंड वसूल हुआ तो संजय कन्नौजिया चुप नहीं बैठेगा। व्यापारी किसान मजदूरों के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। महराजगंज से अमजद खान की रिपोर्ट। कनौली आदर्श नगर पंचायत में जो टेम्पो स्टैंड है वो वसूली जो हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी सवाल आपने की है। सबसे पहले सभी मीडिया भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। और देखिए, जो टैक्सी स्टैंड हो रही है ये वसूली, ये कहीं ना कहीं लीगल भी है, अनलीगल भी है। अगर हमारे आदर्श नगर पंचायत कनौली के अंदर, अगर कस्बे के अंदर, अगर हमारे किसी व्यापारी मजदूर किसान भाइयों के साथ गाड़ी को अगर टैक्सी वसूला जाता है तो इसके लिए चाहे हमको कहीं भी जाना पड़ेगा तो संजय कन्नौजिया चुप बैठने वाला नहीं है। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे होगा, क्योंकि आदर्श नगर पंचायत सनौली में हमारे जितने भी व्यापारी मजदूर किसान हैं उनकी गाड़ी अगर उनके व्यापार के लिए अगर कहीं क्षति पहुंचेगी तो उसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। जहां तक लड़ाई होगा हम लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। जो मिली भगत से जो टैक्सी स्टैंड की वसूली कर रहे हैं उसके खिलाफ हम हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।